नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अक्सर होता है कि जब किसी कामकाज में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए कमेटी गठित होती है ताकि जो कमियां हैं, जो चूक हुई है, उसकी जांच की जा सके। और हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कमियों की पहचान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव आयोग के महासचिव की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी असम, बिहार, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में हाल ही में हुए चुनाव से मिली सीख, अनुभवों और कमियों की पहचान करेगी। ये कमेटी नियामक व्यवस्था में कमियों, अंतरालों की पहचान करेगी और बदलावों को भी लागू करेगी। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस दौरान वहाँ पर काफ़ी सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की थी और सीधे तौर पे कोर्ट ने चुनाव आयोग को दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कोर कमेटी को निर्वाचन आयोग के नियामकीय शासन में कमियों और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वयन में अंतराल की पहचान करने का काम सौंपा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कमेटी कानूनी और नियामकीय ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर भी गौर करेगी ताकि आयोग कोविड संबंधी नियमों समेत सभी दिशा निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करा सके। निर्वाचन आयोग को आरोपों का सामना करना पड़ा और वह चुनाव प्रचार के दौरान कोविड के नियमों का पालन कराने में नाकामयाब रहा, वो उनका पालन नहीं करवा पाया। लेकिन आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि उसने प्रचार की अवधि घटा करके प्रसार को रोकने में अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को लागू करना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। कोर कमेटी निष्पक्ष चुनाव के लिए जो खर्च हुए हैं, व्यय प्रबंधन नियमन को मजबूत करने के लिए जो उपाय हैं उन पर भी गौर करेगी। और ये भी कहा गया है कि कोर कमेटी की सिफारिशों से निर्वाचन आयोग को आगामी चुनावों के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगी। निर्वाचन आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। और ये माना जाए कि आगे जो भी चुनाव होते हैं उनमें जो भी गलतियां हुई हैं उनको दोबारा ना दोहराया जाए और ऐसी गलतियां दोबारा ना हों जिससे आम लोग सफ़र करें। तो दोस्तों, ये थी चुनाव आयोग से जुड़ी हुई खबर। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आया है तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें और मेरे चैनल से बने रहिए। देखिए, ये कोरोना काल चल रहा है, आप घर में रहें और सेफ रहें और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय मुझे समय समय पर देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।